देव अब्बा, आज ना सोन पापी का एग्जाम है, बोले तो बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है आज। आज के दिन तेरे से एक रिक्वेस्ट करता है, इधर थोड़ा सा ब्रेक मार के इसके साथ फुल टाइम रहने का ना। क्या कुछ भी बोल रहे हो तुम? अरे कोई टेंशन नहीं है, पापा के साथ अपना अलग सेटिंग है। रघु भाई, रघु भाई तुम चाहते हो ना बप्पा तुम्हारे साथ रहें, समझ लो वैसा ही होगा। ये धागा बप्पा का आशीर्वाद है, इसके रूप में बप्पा तुम्हारे साथ रहेंगे। शुभ करता दुख हरता वारा विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची। जब तक ये धागा सुरक्षित है समझ लो तुम सुरक्षित हो। सिंदूराची घंटी सड़के मान मुक्ता फणाची, जय देव जय मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन खाली है क्या भैया? एक सेकंड, तुम कहाँ आ रहे हो? कहाँ मतलब? अरे तेरे साथ एग्जाम सेंटर, और किधर? क्यों, मैं तो चली जाऊंगी। एक सेकंड, कहीं तुम माई के दिए हुए आशीर्वाद से डर तो नहीं गए? माई को जितना भरोसा उसकी नफरत पे है ना, उससे कई ज्यादा भरोसा अपन को अपने प्यार पे है। अपन की एक दुआ उसके ऐसे 10 आशीर्वाद पे बारी है। अपन तो इसलिए आ रहा है ताकि एग्जाम के बाद ना तेरे चेहरे पे वो जीत वाली स्माइल देख सके। सबसे पहले चल चले, चलो दादा। रेडी है ना तू? हाँ? तरक, उधर देख। हाँ? अरे तेरे बालों में कुछ तो है। क्या ये? लो, सेंटर भी आ गया, और अभी तक मायने कोई गड़बड़ नहीं, और मुझे लगता है वो कोई गड़बड़ करेंगे भी नहीं। उन्होंने बस ऐसे गुस्से में बोल दिया होगा, तुम भी खामखा में बस उन पे शक। अरे तेरे क्या कोई तकलीफ है उनसे? तो काय को अपन को कन्विंस कर रही है? कुछ भी हो जाए, एग्जाम खत्म होने तक अपन इधर ही है और इधर ही रुकेगा। चल जा, बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। Be careful, okay? अपने अपने बैग्स यहाँ निकाल के रखिए। कोई भी कुछ भी कैरी नहीं करेगा सिवाय पेन, हॉल टिकट और पैड के अलावा, ओके? और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, किसी के पास भी कोई भी चिप या कागज मिला तो उसको 3 साल तक एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा, समझे आप? बाल खोलो। पर्स बाहर रख के जाना। आइए, आप आइए, दिखाइए।
पापा का धागा। पापा उनको कोई ना कोई हिंट दे रहा है, कहीं सोन पापड़ी किसी प्रॉब्लम में तो। जूते चेक करो इनके। मैम। जी मैम, दिखाइए, खोलिए। देखिए, धनक पारेख, बहुत शौक है ना तेरे को मेरे से आशीर्वाद लेने का। अब देख मेरे आशीर्वाद का कमाल। अरे, उसका असर तो अब तक शुरू भी हुआ होगा। तिल जलाई है तू अपुन का, अब तू खुद जलेगी। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। सबकी दुआएं एक तरफ और मौई का आशीर्वाद एक तरफ। अपड़ी थपड़ी गुड़ाची पापड़ी। धना, ये दांव तो तेरे ऊपर बहुत भारी पड़ गया रे। अब कैसे देगी तू परीक्षा? दिन अधिन धा। अब हो गए ना सॉरी दरवाजे बंद। आई एम सॉरी मिस धनक, ये चिट इस बात का सबूत है कि आपके इरादे नेक नहीं थे, इसीलिए आपको सेवा परीक्षा में बैठने से पाबंदी लगाई जा रही है। आपका फॉर्म कैंसिल किया जाता है। मैम, ये मेरा नहीं है। मैम, एक सेकंड। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तेरे साथ है, बस पापा करे कि मेरी हर मनोकामना पूरी हो जाए। जिंदगी में कभी भी तो IPS ना बन पाए। मैम, आप आइए मेरे साथ। मैम, आप आइए मेरे साथ। चलिए साइड में आइए। मैम प्लीज एक बार मेरी बात समझिए। मैम, मुझे कोई आइडिया नहीं है चिट मेरे मालूम। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम जैसी कैंडिडेट इस तरह की हरकत कर सकती है। मैम प्लीज मेरा यकीन कीजिए। मैम, मुझे नहीं पता, सच में नहीं पता कि ये चिट्स मेरे बालों में कहां से आए। और मैम, मुझे इन चिट्स की जरूरत ही नहीं है। हो सकता है, लेकिन हम जो सामने हैं उस पर यकीन करते हैं। आपकी दलीलों का कोई फायदा नहीं, आप एग्जाम नहीं दे सकती। आप जा सकती हो प्लीज। मिसेस धनक, ये लीजिए। सेजल बेटा, देख आम लेके आ गया। अब फर्स्ट क्लास आमरस और गर्मा गर्म पूड़िया बना दे। धनक ने तो जलसो थई जासे। अरे हाँ महेंद्र कुमार, हाँ पता है आज तू बहुत खुश है, लेकिन इतना भी मत उछल के बचिया। अरे धनक की नानी, ये तो शुरुआत है। आप देखना, जिस दिन मेरी बेटी खाकी वर्दी पहन के दरवाजे पे खड़ी होगी ना, उस दिन पूरी चौल में गरबा घूमूंगा मैं। हाँ। बिल्कुल सही कहा पापा आपने, और अब वो दिन दूर नहीं है। ए पारे, क्या रे, क्या बात है, अखा मार्केट उठा के लेके आया तू? अगर मेरे को मिठाई खरीदनी है, चल मेरे को मिठाई खरीदनी है तो मैं कहां से खरीदेगी? तेरी थैली पे हाथ मारेगी ना। सावित्री माई, आप देखो, ये आम और मिठाई को हाथ मत लगाओ, इस पे पहला हक धनक का है।
जब वो 3 घंटे बाद एग्जाम देकर आएगी ना तो ये सब उसके 3 घंटे बाद यार खोला तू 3 घंटे क्या, अरे उसको 3 मिनट भी उधर परीक्षा के सेंटर में बैठने नहीं देंगे पता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, आम की मिठास जुबान पे और तेरी बेटी का फेल होने का न्यूज कान में, अब उनका तो जिंदगी बन गया। ये क्या बोल रही हैं आप, क्या किया आपने? देखिए अगर आपकी वजह से मेरी बेटी एग्जाम नहीं दे पाई ना तो मैं आपको मैं बता रहा हूँ मैं। ए बाबा गप जरा, ए पूरी संभाल दे तेरे पप्पा को, बीपी बीपी शूट हो गया ना तो यहीं से कल्टी मार लेगा। माई की लाठी में ना आवाज नहीं होती है, मगर जब भी पड़ती है चोर की पड़ती है। तेरी बेटी आएगी ना उसको पूछना कि आज माई की लाठी कैसी पड़ी। ये आम उधर रहा मेरे पे, अरे मैं तेरे को रत्नागिरी हापुस अंबा खिलाएगी इसके बदले। ये अरे ये पापा, कुछ, रिलैक्स कुछ, रिलैक्स पापा, आप चिंता क्यों कर रहे हैं? रघु जी जो हैं धनक बेना के पास में और वो कुछ गलत नहीं होने देंगे, डोंट वरी। तेरा सपना पूरा होते हुए देखना चाहता हूं, एक बार तो आईपीएस ऑफिसर बन जा। धनक बेटा तेरी ट्रेनिंग जल्द से जल्द पूरी हो जाए। हाँ बेना, हम सब तुम्हें उस खाकी वर्दी में देखना चाहते हैं। अपुन तेरे को आईपीएस बना के छोड़ेगा और अपुन गुना अपनी कमाई से तेरे लिए वो खाकी वाला यूनिफॉर्म लेने का है। अरे किताब का टेंशन तू मत ले, अपन अखी मुंबई दर से उधर कर देगा लेकिन तेरी किताब जरूर ढूंढ निकालेगा। तेरा सपना ना अब उनकी खुशी से बहुत बढ़कर है। रघु ने क्या कुछ नहीं किया मेरे लिए, मैं कैसे जाऊंगी उसके सामने, कैसे जाके कहूंगी उससे कि आशीर्वाद से अपनी इधर तक आए, पापा के कोई लफड़ा नहीं मांगता अपन को, बस धनक का एग्जाम नीट पार करा थे। ये रही तेरी जादू की दवाई, अभी इसको मस्त पीने का और टेंशन नहीं रहने का और बस जाने का। अरे ये लिखना पढ़ना एकदम बैड आइडिया है, अरे इससे तो अच्छा होता ना कि कमरे में बैठने का, सब कुछ रिकॉर्ड करने का और भेज देने का, पेपर भी उठता पॉइंट है।
मैं कम सा कम इन कैरेट धनक जादव रिपोर्टिंग सर। मिसेस धनक ये सब क्या है? ये ऑफिसर जो कह रही क्या वो सच है? अनफॉर्चुनेटली यस सर, मेरे बालों और चप्पलों में से चिट्स पकड़ी गई हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है धनक, तुम ऐसा नहीं कर सकती। एटलीस्ट तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सिर्फ एक मौका सर, आई जस्ट नीड वन चांस सर। मैं आपको क्लैरिफाई कर सकती हूँ कि मेरा नकल करने का कोई इरादा नहीं था सर। चिट्स की जरूरत किसे पड़ती है जो एग्जाम्स के लिए फुल्ली प्रिपेयर्ड ना, बट आई एम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड सर। और सर आप भी जानते हैं कि ये सपना है मेरा, मैं अपने सपने के साथ तो ऐसा नहीं करूंगी सर। कोई भी सवाल किसी भी तरीके से आए मैं उसका जवाब दे सकती हूँ सर। मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ। धनक लेकिन ये तुम साबित कैसे करोगी? सर मैं पूरा एग्जाम ओरली सॉल्व करूंगी, वो भी आपके सामने। मिसेस धनक तुम जानती हो इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, एक गलत जवाब के बदले में 2 मार्क्स माइनस हो जाएंगे। सर एग्जाम का कोई भी रूल बदलेगा ही नहीं, बस लिखित परीक्षा की जगह मौखिक परीक्षा होगी सर। इट्स अ रिक्वेस्ट सर, प्लीज मुझे एक मौका दे दीजिए। तनक, एज अ कैडेट आपका परफॉर्मेंस हमेशा रिमार्केबल रहा है। मुंबई के सबसे बड़े डॉन को आपने पकड़वाया, बच्चों की जान बचाई और टेररिस्ट मिशन का खात्मा किया है। इन सभी बातों को कंसिडर करते हुए हम आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं। ऑफिसर यस सर, इनके ओरल एग्जाम की प्रिपरेशन करो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सुन पापड़ी, जल्दी आजा, टेंशन के मारे उनका हार्ट फेल हो रहा है। इधर All the best. 7 दिन के बाद ऑफिशियल साइट पे रिजल्ट आ जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू। ओके।